नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो की ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, और हमारे एक स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छा चीज़ पूछा है। प्रॉब्लम को हुआ था तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि उनके पास कुछ डेटा है, जैसे कि इवेंट रेफरेंस हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, पार्टी रेफरेंस हो गया एंड रिसीवेबल हो गया, तो वो यूजर फॉर्म बनाना चाहते थे ताकि इसको फाइंड कर सके और इसको एडिट कर सके। तो उन्होंने जो यूजर फॉर्म बना के भेजा था कुछ इस तरह से बना के भेजा था। वो चाहते थे कि यहाँ पे 10111 लिखें और सर्च करें, तो इसमें से पहले का डेटा यहाँ चारों में आना चाहिए, फिर वो नेक्स्ट करें तो इसी 101 की अगली डेटा आना चाहिए, फिर नेक्स्ट करें तो उसकी अगली डेटा आना चाहिए। बट इस लॉजिक में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं होना चाहिए, और ऐसा सिस्टमेटिक एंड एल्गोरिदम इसमें थोड़ा सा लंबी पड़ रहा है कि कैसे करेगा। तो मैंने उनके लिए यूजर फॉर्म बनाया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैंने उनके लिए ऐसा यूजर फॉर्म बनाया, मैंने बोला कि आप यहाँ पे इस तरह से लिखिए, और यहाँ पे कि 10111 लिखा हमने और चेक किया, तो जितने भी रेफरेंसेज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको आ गए। और जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा, जिसके मैंने इनको सिलेक्ट किया, तो इनकी डेटा यहाँ आ जाएगी, जिसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने एडिट करने का था, और ये अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट होगा। अभी आपने अपडेट के लिए कुछ डाला नहीं, बस सी वी करवाया है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा ऐसे ऐसे यहाँ आ रहा है। तो ये बेटर थिंक हो गया, इसलिए कि प्रीवियस नेक्स्ट में क्या था कि मुझे पहले को नहीं, मुझे तीसरे को ऐड करना है, तो वहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट तीन बार जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिक्वेंसली पूरा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हमने इसको बनाया कैसे। सबसे पहले इंसर्ट में गए और यूजर फॉर्म लिया। यूजर फॉर्म को अपने हिसाब से मैंने बड़ा किया, और इसमें टूल बॉक्स नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक करके टूल बॉक्स लाया, ऐसे आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ से ले आया, और हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लिया एक, और यहाँ हमने इसका हेडिंग लिया जो नंबर, सॉरी गलती हो गई, हाँ यहाँ से जो हेडिंग है इसका, जैसे कि ये हेडिंग इन्वेंट्री रेफरेंस नंबर, यहाँ आ गया, और मैंने इन्वेंट्री रेफरेंस नंबर डाल दिया, और यहाँ पे चेक कर दिया। तो बेसिकली ये ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो ऑनलाइन क्लास में हम ये चीज़ें लाइव बताते हैं, इसमें आप रहेंगे क्वेश्चन, अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, कमेंट करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि 1600 वीडियो जो है 1600 कमेंट, एक वीडियो पे एवरेज अगर मान लीजिए कि 3 कमेंट आया था 4500 कमेंट, और 4500 कमेंट को मुझे रिप्लाई कर पाना मुश्किल है। तो आप लोगों को इसलिए मैं नंबर देता हूँ कि जो आप कॉल कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे लोग कमेंट, गंदा कमेंट भी करते हैं कि ये कभी रिप्लाई नहीं करेंगे, तो थिंक दैट कि 1600 वीडियोस पे अगर 3 कमेंट भी आया तो 1600 कमेंट्स को मुश्किल है, इसलिए प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं, बट लाइव क्लास भी लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉल्व हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से लिस्ट बॉक्स लिया और लिस्ट बॉक्स को ड्रॉ किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इन बाकी को चेंज करने के, रेफरेंस नंबर तो चेंज होगा नहीं, ट्रांजेक्शन नंबर भी चेंज नहीं होगा, मैं तीन चीज़ें चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से चेकबॉक्स, तीन चेकबॉक्स यहाँ पे ड्रैग कर दिया। पहला चेकबॉक्स माफ कीजिएगा टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा एंड तीसरा, और एक बटन हमने यहाँ पे अपडेट का बना दिया, ये हो गया, ये हमारा यूजर फॉर्म डिजाइन हो गया अपडेट का, ये हमारा हो गया। अब जब से चेक करेंगे यहाँ पे हम नंबर डालेंगे,
चेक करेंगे पूरा लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। चलिए अब इस पर क्लिक करेंगे क्लास और लगाएंगे, पहले में वेरिएबल लेंगे कि डिम डी टी एज ए नहीं, विशे एरे देना पड़ेगा कि 1 to 100 या ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दीजिए, ये एरे डिफाइन है, तहाँ पे वैल्यू कंडीशन होके लोड होगा एन 1 to 4, मतलब कि हमारे पास डेटा 100,000 हो सकता है, उतना आप डिफाइन कर लो, लेकिन यहाँ पे क्या है कमी है तो मैं 100 दिया, और ये 4 रो है तो 4 रो दिया, और फिर लूप लगाया कि 4 i = 3 से, जो 3 हमारा है इस 3 से किस में लास्ट तक चले, 3 नंबर रो, तो यहां पे दे दिया मैंने रेंज ए 65,000 xls up dot offset, offset नहीं मैं जोर कर देती हूँ, offset की जरूरत नहीं है, देखो और कंडीशन होगा कि if रेंज a के साथ i dot value इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, लिस्ट बॉक्स नहीं टेक्स्ट बॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, बट प्रॉब्लम क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो डलेगी वो टेक्स्ट में आएगी पर रेंज की वैल्यू नंबर में होगी, तो इसके लिए हम कर देते हैं चेंज str कि स्ट्रिंग में चेंज करो, अरे या फिर टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू में कर दो, लेकिन ऐसा नहीं किया हमने। उसके बाद हमने बोल दिया कि r इक्वल टू r प्लस 1, और हमने बोला कि dt, और dt में बोला कि r रो होगा और j कॉलम होगा। अब इसमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, कि 4 j इक्वल टू चले 1 to 4, और dt हमारा r रो हो गया और j कॉलम हो गया, एंड इक्वल टू सेम सेल्स आई रो एंड जे कॉलन डॉट वैल्यू, और यहां पे एंड इफ, और यहां पे एन ई एक्स टी नेक्स्ट आई, और लास्ट में मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू हमने बोल दिया डी टी। अब देखिए क्या होगा कि यहां पे 101 डाला, चेक पे क्लिक किया, यहां हमने नेक्स्ट को फिनिश नहीं किया था, नेक्स्ट जे, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम, बट यहां पे सिर्फ एक ही आया, क्यों, क्योंकि लिस्ट बॉक्स के इसकी जो हमने लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में कॉलम काउंट हमारा एक ही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम काउंट 4 है तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब देखिए अब 4 आएगा, यहाँ पे 1004 एंड चेक, लेकिन हाँ ये 1001 करता हूँ आया, अब बट ऊपर हेडिंग नहीं है, मुझे इसके ऊपर हेडिंग देना है, तो हेडिंग कैसे दें पहली चीज, और दूसरी इसमें कुछ और कर सकते हैं, तो हेडिंग देने के लिए यहाँ पे कॉलम हेडिंग ट्रू कर देता हूँ, तो ये कॉलम 1 2 3 आएगा, लेकिन उसमें इसकी हेडिंग देने के लिए फिर हमको उसको लोड करवाना पड़ेगा,
और हेडिंग के लिए, अब हेडिंग के लिए हम कर ही देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हम लिए हुए हैं ना, इसी को लेते हैं और हम यहाँ पे कर देते हैं ऊपर में, ऊपर में नीचे, DT के नीचे, और यहाँ पे R इक्वल टू 1 कर देते हैं, 1, और ये J, J की जगह पे K कर देते हैं, यहाँ आई के जगह पे रो नंबर 3 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा हेडिंग आ जाएगा। थ्री नहीं, 2 होगा यहाँ, हो गया। और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉलम काउंट 4, यहाँ पे बैंडेड कॉलम, बाउंड कॉलम, यही हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके यहाँ पे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ, तो इसका जो पूरा है ये यहाँ इन तीनों में, ये तो नंबर ना है, ये जो तीनों वर्ड है इसमें आ जाना चाहिए। तो हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब इसमें कैसे करें, तो इसके लिए हम यहाँ पे भी लूप लगाएंगे कि 4i इक्वल टू चले 02 me.listbox1. लिस्ट काउंट, टोटल लिस्ट जितने भी है वो लिस्ट काउंट चले, उसमें से एक माइनस करते हैं क्योंकि ये 1 से काउंट होता है। फिर देते हैं कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड, और सेलेक्टेड में मैंने बोल दिया आई, मतलब कि आई रेफरेंस अगर सेलेक्टेड है तो क्या करें, मी डॉट टेक्स बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट, और लिस्ट के अंदर में हमने बोल दिया कि आई रो एंड कॉलम 0। अब इसी 0 नहीं, 1 होगा क्योंकि एक तो लेना ही नहीं ना। इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट पेस्ट, और लिस्ट बॉक्स 2 की जगह पे 3 एंड इसके जगह पे 4, और यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 3, और फिर यहां पे हम कर देते हैं एंड एग्जिट सम, एग्जिट लूप के लिए, और यहां पे एंड इफ, और नेक्स्ट हो नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई। अब इसको प्ले करता हूं मैं, 1001 एंड चेक किया आ गया, इसको क्लिक किया, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। और उसके बाद मैं यहां पे मान लो कोई चेंज किया तो यहां ऊपर में चेंज होना चाहिए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें रिपीटेड है, रिपीटेड कंपनी नेम भी सेम हो सकता है, फिगर सबका अलग अलग है, तो दिक्कत यह है। देखिए 101 में 5898 जो रेफरेंस नंबर, दोनों एक ही है, ए भी दोनों एक ही है, लेकिन होता है कभी कभी कंपनी ए भी नेम होता है अलग होता है, कंपनी नेम भी एक होता है, उसके अलग अलग प्राइजेज होते हैं, तो हमें तीनों को मैच करके फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए अपडेट कमांड हम चलाते हैं। अपडेट कमांड में ये होगा,
यहाँ भी लूप लगेगा, जैसे हमने ऊपर लूप लगाया है ना, ऊपर जो लूप लगाया है यही लूप हम मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और कंडीशन होगा कि इफ मी डॉट लिस्ट चेक टेक्स्ट बॉक्स होगा, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स, और सेल्स में हमने बोल दिया आई कॉमा वन डॉट वैल्यू, और इसमें हमें ये जो इसको हम सी एस टी आर करना पड़ेगा, सी एस टी आर, ताकि नंबर कस्टमर चेंज हो जाए, और मुझे तीनों के साथ सेम करना पड़ेगा। कॉपी किया और यहाँ पे हमने एंड का मेथड लगाया, और एंड हमने इसको पेश किया, और इसमें आई के वन के जगह पे टू हो जाएगा और ये टेक्स्ट बॉक्स टू आएगा, एंड पेस्ट वापस एंड, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थ्री, और यहाँ भी हमारा आ जाएगा रो नंबर कॉलम नंबर थ्री, और यहाँ पे हम देंगे स्पेस अंडरस्कोर, लाइन तोड़ने के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चीज़ में लिखा हो तो लाइन तोड़ना पड़ता है इसलिए, और यहाँ पे होगा फोर, और यहाँ हो जाएगा फोर, और यहाँ देंगे टी एच एन दैन, हो गया। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं कि सेल की वैल्यू इज इक्वल टू, ऐसा हुआ तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स टू की वैल्यू, देन नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा, कॉपी पेस्ट 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 तीन बार, और यहाँ हो जाएगा थ्री, और यहाँ हो जाएगा हमारा फोर, और ये ऑल्सो थ्री एंड ऑल्सो फोर, और यहाँ हम दे देंगे एंड इफ एंड नेक्स्ट आई। अब इसको हम प्ले करके एक बार इसकी लाइव बता देता हूँ कि ये सही है या गलत है, ये जरूरी होता है क्योंकि हम लोग कभी कभी कोड में मिस्टेक कर देते हैं, मैं ये बहुत बार मिस्टेक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पहले ही को जो हमारा यहाँ देख रहे हैं 645 है, इसको मैं 500 कर देता हूँ, अपडेट 500 नहीं हुआ, मतलब कि हमने कहीं पे कोड में गलती की हुई है, ओह शिट 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 शिट, हम गलत कर दिए, हमने गलत किया, गलत कहाँ किया बताता हूँ आपको, कि हम जो मैच करवा रहे हैं वो मैच कहाँ करवा रहे हैं, आप देखिए इसने मैच करवा रहे हैं ना, तो हम तो चेंज जो कर चुके हैं उसी वैल्यू को मैच कर रहे हैं ना, ये हम जो चेंज कर चुके हैं उसी वैल्यू को कर रहे हैं, तो हमें ऊपर वाला मेथड जो हमने वैल्यू को नीचे लाने वाला किया है ना, ये मेथड करना पड़ेगा, ए मेथड, यहाँ यहाँ भी लूप लगाना पड़ेगा, तो लूप लगाना यहाँ भी पड़ेगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, तो कोई बात लगा देते लोग, कॉपी एंड पेस्ट, और यहां पे मैं के कर देता हूं, के,
और देन कंडीशंस, ए इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इज के कॉमा जीरो बी, इसी में ए बी सी कर देते हैं सही रहेगा, वन और आ जाएगा बी, और यहाँ जाएगा इक्वल टू सी टू एंड थ्री, और ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका टी, और एंड इफ एंड नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट आई नहीं नेक्स्ट के, और इसको उठा के हम लूप से बाहर कर देते हैं, इसको लूप में रखने की जरूरत नहीं है। तो जो वैल्यू हमें सिलेक्टेड है उसको हमने अलग कर लिया ऊपर में, और यहाँ जहाँ हमें टेक्स वैल्यू दिया है वहाँ पे हम ए बी सी डी करते हैं कि ए बी सी एंड ऑल्सो डी। चलिए अब करते हैं, अब अपडेट को जाना चाहिए, चेक किया सेलेक्ट किया और इसको हम चेंज करके 500 करते हैं, एंड यहां पे देखिए अब क्यों अपडेट नहीं हुआ, हमने यहाँ पे गलती किया, ये देखिए आई की जगह पे यहाँ पे के लिखना होगा, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रहा था। तो ए बी सी तो ब्लैंक चला गया, चेक करते हमने यहाँ पे गलती किया, देखिए 42 है यहाँ पे, 42 नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 42 रो पे है, वैल्यू चली गई होगी, देखिए आ रही है चल जा रही है, छोटी छोटी मोटी गलती होती है, अब रात काफ़ी हो चुका है तो इसलिए लग रहा है ना मुझे अब सो जाना चाहिए, छोटी छोटी गलतियाँ ऐसे ऐसी हो रही है। 50 500, हाँ याद है क्या, 50 500 आ गया। तो आप जो है इसमें और भी कर सकते हैं कि मैसेज कि आफ्टर कंप्लीशन से यहां मैसेज दें, यहां पे एमएसजी बॉक्स कि डेटा हैव बीन सेव्ड हो चुका है, और यहां पे हम एग्जिट कर देते हैं यहां से कि एग्जिट सब, ओके दूसरा चीज और भी कर सकते हैं कि जैसे कि जब तक इसमें 4 डिजिट पूरा ना हो, जैसे यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 है, रिंग 3 2 5, 5 डिजिट पूरा ना हो तब तक चेक एक्टिवेट ना हो, बाय डिफॉल्ट टी एक्टिवेट हो, मतलब कि हम यहाँ पे अनेबल को, यहाँ एक अनेबल करके आता है प्रॉपर्टीज में, अनेबल को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं, मतलब कि फॉल्स कर देते हैं, तो क्या होगा कि जब हम प्ले करेंगे तो ए एक देखिए इसमें हम क्लिक ही नहीं होगा हमारा। तो उस केस में क्या करें कि हम यहां पे आते हैं और बोलते हैं कि इफ
मी डॉट लिस्ट वॉक्स वन डॉट वैल्यू, लेकिन हमने बोल दिया इसको लेन के अंदर में, कि लेन के अंदर में कि अगर ए इक्वल टू फोर है देन मी डॉट कमांड बटन वन डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू और यहां पे एंड। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं यहां पे वन जीरो वन सॉरी वन जीरो 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 वन करूंगा तब जाके एक्टिवेट होगा, लेकिन ये चौथा नंबर पे एक्टिवेट क्यों नहीं होगा, हमने क्या लगाया उसमें चेंज ही लगाया ना चेंज, सॉरी हमने लिस्ट बॉक्स कर दिया डॉट टेक्स नी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू और यहां पे फाइव कर दीजिए। तो जैसे हम पांचवा लेटर लिखेंगे मेरा चेक का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, तब हम इस पे क्लिक कर पाएंगे और अपडेट भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो कि जब तक हम इस पे क्लिक ना करें तब तक ये अपडेट जो है एक्टिवेट ना हो, नहीं जब तक इसको हम चेंज ना करें तब तक किसी एक में, तो उसके लिए हम अपडेट को हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं अनेबल ट्रू को फॉल्स कर देते हैं और ये जो बटन है इस पे जाके हम कोड करते हैं कि मी डॉट कमांड वन वन ने टू डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू और इस कोड को हम कॉपी करते हैं और बाकी जितने भी यूजर फॉर्म है उस पे भी हम इसी को सेम पेस्ट कर देते हैं, इसको भी सेम पेस्ट कर दिया हो गया और हम इसको प्ले करते हैं चेक्स सेलेक्ट किया देन अपडेट ठीक है। अब इसमें ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे बहुत सारी गलतियां कर दी, देखिए गलतियां हुआ चीज पे नहीं होगी जो रट्टा मारा हुआ है, दिस इज द लाइव प्रोजेक्ट, तो क्या करना है कैसे करना है कहां करना है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है पहले जी, क्योंकि ये चीजें लाइव हो रही है, बाकी बाकी लोग हो सकता है कुछ लोग गलतियां नहीं करते क्योंकि उनका रट्टा मारा हुआ होता है, और एक गलती नहीं थी छोटी मोटी मिस्टेक था, कहीं पे कॉमा छोड़ दिया या कहीं पे हमने कुछ और छोड़ दिया या 42 नहीं देख पाया तो स्किप हो जाती है माइंड से, वो गलती आती ठीक है। तो इस तरह से आप हमारी लाइव क्लासेस को ले सकते हो, लाइव क्लासेस हम लोग गो टू मीटिंग थ्रू के थ्रू करते हैं जिसमें आपको लाइव इंटरेक्ट मिलता है मेरे साथ, जिसमें आपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, बाकी जो वीडियोज आप देखोगे मेरे चैनल पे तो सारे लाइव क्लासेस की वीडियोज रिकॉर्ड करके मैंने डाली हुई है, और ज़्यादा हमारी ट्रेनिंग लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। डीवीडी परचेज करना चाहते हो तो डीवीडी परचेज कर सकते हो, और कुछ भी आपको मुझसे पूछना है डाउट है कुछ भी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम आपके हर कॉल को वेलकम करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और हाँ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो हाई ग्रुप है या फिर इंस्टाग्राम ग्रुप है उस पर प्लीज फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यू मिल सके और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो, क्योंकि मैं 1500 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो जब तक आप लोग मेरे साथ और ज़्यादा वीडियोज डालने की ये नहीं करेंगे तब तक हम बाकी वीडियोज में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सो आपको और नए अपडेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए।